ऐसे कई समर्थकों के वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें कई लोग अपने पसंदीदा नेता का टैटू बनवाते हैं, लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के बांदा में समर्थकों का उत्साह जो है वो चरम पर है, जहां एक समर्थक ने अपने सिर पर बाल कटवाकर अपने प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह लिखवाया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, इससे तो अनुभव लग ही गया होगा कि आखिरकार किस प्रत्याशी का नाम है और ये चुनाव चिन्ह किसका। आपको बता दें कि समर्थक के ऐसा करने से बाल काटने वाला शख्स भी हैरान है। फिलहाल समर्थक का यह वायरल वीडियो बांदा में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दिनों देश में लोकसभा की सरगर्मी है, हर तरफ सिर्फ नेताजी ही नजर आ रहे हैं। इसी दौरान बांदा के अतरा तहसील क्षेत्र के रहने वाला वीरेंद्र कुशवाहा है, जिसने अपने हेयर कटिंग कराकर अपने नेता बाबू सिंह कुशवाहा का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ पीटीए लिखवा लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समर्थक वीरेंद्र कुशवाहा का कहना है कि उनके नेता बाबू सिंह कुशवाहा अब सपा गठबंधन के साथ हैं और जौनपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, इसीलिए उनके चुनाव प्रचार के लिए ऐसा किया है। समर्थक ने दावा किया कि इस बार हमारे नेता जौनपुर से चुनाव जीतकर हमारे सामने आएंगे। आपको यह भी बता दें कि जन अधिकार मंच के अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा का गृह जिला बांदा है। वहीं हेयर कटिंग करने वाले सत्तार ने बताया कि वे पिछले 2 दशक से हेयर कटिंग की दुकान खोले हुए हैं। समर्थक तो बहुत आए, लेकिन ऐसा कोई समर्थक नहीं दिखा जो बाल कटवाए और अपने नेता के लिए ऐसा लिखवाए जिस पर चुनाव प्रचार जोर शोर से बोल रहा है। फिलहाल समर्थक वीरेंद्र कुशवाहा का यह वायरल वीडियो बांदा में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आपको भी कोई नेता प्यारा लगता है तो क्या आप भी इस तरह का कदम उठाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।